नमस्कार दोस्तों, विद्याविधान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु और दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, जिसमें हम क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन दे आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे अगर वो हर तरह से इक्वल होंगे, उनकी साइड्स भी आपस में बराबर होंगी और उनके सारे एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैव एग्जैक्टली द सेम साइड एंड एग्जैक्टली द सेम एंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के सभी साइड और सभी एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। There are 5 methods or criteria to find two triangles are congruent. दो ट्राइंगल अगर congruent है, इसको पता करने के लिए 5 methods होते हैं। चलिए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला है SSS या साइड साइड साइड। इसमें दूसरा है SAS यानी साइड एंगल साइड। तीसरा है दोस्तों ASA यानी एंगल साइड एंगल। और इसमें चौथा है AAS यानी एंगल एंगल साइड। और पांचवा है RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेंस एंड साइड। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, एक एक करके इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला है SSS यानी साइड साइड साइड। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है और ये एक दूसरा ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल की ये साइड इस साइड के बराबर हो, ये वाइट साइड के बराबर हो और ये ग्रीन साइड के बराबर हो। ये तीनों साइड्स अगर आपस में बराबर हो तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ 3 साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स अगर आपस में बराबर है तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरा है SAS यानी साइड एंगल साइड। जैसे कि मान लीजिए ये दो ट्राइंगल्स हैं, अब इसमें ये साइड और ये एंगल और ये साइड, उसी तरीके से ये साइड एंगल साइड। यहां पर देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल अगर दो ट्राइंगल्स के आपस में बराबर है तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। वंस अगेन, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के अगर बराबर हो तो दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, तो जैसा कि मैंने बताया कि टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल की दो साइड और उनके बीच के एंगल के बराबर हो तो दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, जैसा कि इसमें है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल। पिछला था साइड एंगल साइड और तीसरा है एंगल साइड एंगल। जैसे कि ये दो ट्राइंगल्स हैं और इसमें ये एंगल और ये साइड और ये एंगल दूसरे ट्राइंगल के एंगल साइड और एंगल के बराबर हो, किसी भी ट्राइंगल की कोई एक साइड और उसके दोनों एंड पर जो एंगल्स हैं अगर दूसरे ट्राइंगल की साइड और दोनों एंड के एंगल के बराबर हो तो वो दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। वंस अगेन, एंगल साइड एंगल इज इक्वल टू
एंगल साइड एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल एंड द साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल. चलिए आगे बढ़ते हैं. चौथा है एंगल एंगल साइड. जैसे कि ये दो ट्रायंगल्स हैं, इन दो ट्रायंगल्स में कोई दो एंगल और कोई नॉन इंक्लूडेड साइड. पिछले में क्या था, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड. इसमें कोई दो एंगल और कोई एक नॉन इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हो दूसरे ट्रायंगल की दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड के, तो दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. वंस अगेन, एंगल एंगल साइड इज इक्वल टू एंगल एंगल साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल्स. दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हो दूसरे ट्रायंगल की किन्हीं भी दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड के, तब भी दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. पांचवा क्राइटेरिया है RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. ये क्राइटेरिया जो है केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर या राइट ट्रायंगल पर ही एप्लीकेबल होता है. जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है और दूसरा ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है. दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर उनकी हाइपोटेन्यूज इक्वल है, जैसे कि ये हाइपोटेन्यूज इस हाइपोटेन्यूज के इक्वल है और कोई एक साइड इक्वल है, या तो ये साइड इक्वल है या ये साइड आपस में इक्वल है, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल जो होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अनदर ट्रायंगल. ये तो थे पांच क्राइटेरिया ये पता करने के लिए कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं. एक बार फिर से देख लेते हैं. देयर आर फाइव मेथड्स टू फाइंड दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जिसमें पहला है SSS यानी साइड साइड साइड, दूसरा है साइड एंगल साइड, तीसरा है एंगल साइड एंगल, चौथा है एंगल एंगल साइड, पांचवा है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड. इन सभी क्राइटेरियाज को हम आने वाले वीडियोस में प्रूव भी करेंगे और आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएंगे. इस वीडियो के लिए इतना ही. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. दोस्तों अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 7.1.